नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। लगातार न्यूज फॉर नेशन आपको तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर नीतीश कैबिनेट में नए मंत्री जो है वो शपथ ले रहे हैं। बता दें आपको कि 5 मंत्रियों ने जो है वो शपथ ली है, जिसमें आरजेडी से 2 और जेडीयू से 3 मंत्री है। तो 5-5 मंत्री करके जो लगातार जो शपथ है वो लिया जा रहा है। इससे पहले 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी और अब एक बार फिर से 5 मंत्री ने एक साथ शपथ ली है, जिसमें आरजेडी से 2 मंत्री हैं और जेडीयू से 3 मंत्री हैं जिन्होंने एक साथ शपथ ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिसमें सुरेंद्र यादव, लेसी सिंह, श्रवण कुमार, रामानंद यादव और अशोक चौधरी हैं जिन्होंने शपथ ली है। बता दें आपको कि सुरेंद्र यादव और रामानंद यादव जो है वो आरजेडी से हैं और जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से लेसी सिंह, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, तो ये 3 मंत्री हैं जिन्होंने जेडीयू से शपथ ली है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जेडीयू से 11 मंत्री बनाए जाएंगे, तो वहीं आरजेडी से 16 मंत्री नीतीश कैबिनेट में बनाए जाएंगे। और ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि किसे कौन सा विभाग दिया जाता है ये नीतीश सरकार तय करेगी, जो कि थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा। लेकिन बता दें आपको कि नई सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है और आज जो है वो नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, मंत्री जो है वो शपथ ले रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें राजभवन से सामने आई है और किस तरह से जेडीयू और आरजेडी के मंत्री एक साथ राजभवन में शपथ ले रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। यादव राजद के कद्दावर नेता हैं और इस बार उन्हें भी जगह दी गई, यानी कि पुराने नेताओं को तेजस्वी यादव ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। सुरेंद्र यादव लालू राबड़ी राज में विभाग संभाल चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अब एक बार फिर से उन पर विश्वास किया है तेजस्वी यादव ने। रामानंद यादव जो पटना के नेता हैं, काफी दबंग माने जाते हैं, फतुहा से कई दफे विधायक रह चुके हैं, दानापुर से भी वे विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने भी मंत्री की शपथ ली है। तो कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी को इस बार मंत्री की कुर्सी नहीं दी जाएगी, उस पर से पूरी तरीके से पर्दा उठ गया है। विधान पार्षद अशोक चौधरी एक बार फिर से मंत्री बन गए हैं, उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। वे उसके अलावा रामानंद यादव, लेसी सिंह, सुरेंद्र प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों ने मंत्री नीतीश कैबिनेट के मंत्री हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू कोटे से जो मंत्री एनडीए की सरकार में थे, अधिकांश मंत्रियों को वही डिपार्टमेंट दिया जाएगा, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार की सरकार महागठबंधन में शामिल होने के बाद भी उन सभी मंत्रियों को एक बार फिर से ले रहे हैं जो एनडीए की सरकार में थे। तो अशोक चौधरी उस नाते एक बार फिर से मंत्री बन गए हैं, महागठबंधन सरकार के मंत्री, और उन्होंने पद गोपनीयता की शपथ ले ली है। अब सवाल उठता है क्या इन्हें भवन निर्माण विभाग का जिम्मा दिया जाएगा, क्योंकि एनडीए की सरकार में ये भवन निर्माण विभाग का ही जिम्मा संभाल रहे थे। अब खबर है कि उन्हें भवन निर्माण विभाग का मंत्री का पद दिया जा सकता है। श्रवण कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नालंदा से विधायक हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। इस बार यानी कि 2020 से 2022 के एनडीए के सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे, इस बार इन्हें क्या मिलेगा यह तय नहीं है, लेकिन जो जानकारी है कि एक बार फिर से ग्रामीण विकास का ही जिम्मा श्रवण कुमार को दी जा सकती है, ऐसी जानकारी है। लेसी सिंह खाद्य आपूर्ति मंत्री, जो 9 तारीख तक जो एनडीए की सरकार थी उसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह थी, इस बार भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। ऐसे में क्या उन्हें वही डिपार्टमेंट मिलेगा या फिर डिपार्टमेंट चेंज होगा, थोड़ी देर के बाद यानी कि शाम तक इससे पर्दा उठ जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि जो पुराने मंत्री थे उन्हें वही डिपार्टमेंट मिलेगा या फिर डिपार्टमेंट की अदला बदली होगी। तो इस तरीके से 10 नीतीश सरकार में 10 मंत्रियों ने शपथ ले लिया है, सभी एक एक करके सिग्नेचर साइन कर रहे हैं और उसके बाद फिर वे जा रहे हैं।
तो इस तरीके से लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे एक डिप्टी सीएम बन गए और दूसरे नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। उनके अलावे सुरेंद्र प्रसाद यादव जो बेलागंज से विधायक हैं, जहानाबाद से वे पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, काफी दबंग माने जाते हैं, राबड़ी के शासनकाल में भी ये मंत्री रह चुके हैं, तो एक बार फिर से इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। रामानंद यादव वरिष्ठ तो हैं ही, उम्रदराज भी अब हो चुके हैं, तो इस बार तेजस्वी यादव ने मंत्री बना करके उन पर भरोसा जताया है और अंत में उन्हें दिया है कि आपको मैं कैबिनेट में शामिल करा रहा हूं। तो इस तरीके से इस बार जो देखा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में आरजेडी की तरफ से वरिष्ठों